Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So today again we will continue the chapter 19. The Indian handloom industry suffered because the cloth manufactured in England was cheap as it was produced in bulk in the mills. Handmade cloth was expensive. जो इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो उसने सफर किया था, उनको भुगतना पड़ा था. वाई? बिकॉज द क्लोथ मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड, बिकॉज जो जो क्लोथ था, जो कपड़ा था, वो इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होता था, वहाँ पर बनाया जाता था और वो भी बहुत सस्ते में. इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन बल्क इन द मिल्स, और बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता था. हैंडमेड क्लोथ वॉज एक्सपेंसिव, जो हाथ से बनाया हुआ कपड़ा होता था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, बहुत ज़्यादा महंगा होता था और बहुत ज़्यादा कीमती हुआ करता था. एज इफ दिस वॉज नॉट इनफ, द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अनजस्ट लॉज विच मेड द नवाब्स एंड द किंग्स ऑफ इंडिया वेरी अनहैप्पी. यही काफ़ी नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने उन्होंने अपने अनजस्ट लॉज बनाए थे, जो किसी के साथ फेयर नहीं, जो किसी के साथ जो अनफेयर लॉज जिसे कहते हैं अनफेयर, जो सही नहीं थे, ऐसे कानून बनाए थे उन्होंने जिससे इंडिया के जो नवाब्स थे, इंडिया के जो किंग्स थे, वो अनहैप्पी थे, ना खुश थे. वन ऑफ द लॉज सेड दैट इफ अ किंग डाइड विदाउट अ चाइल्ड देन हिज किंगडम वुड बी टेकन अवे बाय द ब्रिटिश. उन्होंने एक लॉ बनाया था और उन्होंने उस लॉ के लिए कहा था कि अगर कोई किंग, अगर कोई राजा बिना बच्चे के मर जाता है तो उसका पूरा किंगडम, उसका पूरा एम्पायर, उसका पूरा साम्राज्य ब्रिटिश के द्वारा ले लिया जाएगा. द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी रिसीव्ड ह्यूज सैलरीज, ह्यूज मतलब बड़ी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होते थे वो बहुत ज्यादा, बहुत ह्यूज सैलरीज उनको मिला करती थी, बहुत बड़ी सैलरी मिला करती थी, मतलब अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, मोटी रकम मिलती थी उनको. इन शॉर्ट द ब्रिटिश वर टेकिंग फुल कंट्रोल थ्रू अनफेयर पॉलिसीज. एक तरह से ये कहा जाए कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनकी जो अनफेयर पॉलिसीज थी, उनकी अनफेयर पॉलिसीज की वजह से उनका पूरा कंट्रोल हो चुका था इंडिया पर, इंडिया की हर चीज पर, इंडिया के लोगों पर. दैट एंगर्ड द इंडियंस, जिसपे इंडियंस क्या थे, नाराज थे, जिस पर क्या था, इंडियंस को गुस्सा था. पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बिगिन प्रोटेस्टिंग protesting. However, there was no unity in their protest. India के अलग अलग कोनों में, India के different parts में लोगों ने protest करना शुरू कर दिया था, विरोध करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो उनको, वो जो विरोध कर रहे थे उस विरोध में कोई unity नहीं थी. The revolt of 1857. A major revolt broke out which was started by the Indian soldiers serving in the British army in India. इंडिया में जो ब्रिटिश आर्मी थी और ब्रिटिश आर्मी के जो इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने एक बहुत मेजर रिवोल्ट, एक बहुत बड़ा विद्रोह किया था, एक बहुत बड़ा विद्रोह शुरू किया था. द ली एनफील्ड राइफल्स दैट वर गिवन टू द सोल्जर्स बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट. जो राइफल्स हुआ करती थी, बंदूकें हुआ करती, जो राइफल्स हुआ करती थी, वो ली एनफील्ड राइफल्स जो हुआ करती थी वो उन सोल्जर्स को दी जाती थी और दी गई थी उनको, और वो जो ली एनफील्ड राइफल्स दी गई थी सोल्जर्स को, वही राइफल्स उनके विद्रोह का कारण बन गई थी. इन ऑर्डर टू लोड द राइफल्स द सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द एंड्स ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस. जब सोल्जर्स राइफल्स को लोड करते थे तो वो क्या करते थे, जो ग्रीस कार्ट्रिजेस होती हैं, जो बड़े हुए कारतूस होते हैं, उनको बाइट करते थे, उनके एंड को बाइट करते थे, काटते थे. अ र्यूमर स्प्रेड इन द कैंप्स दैट द कार्ट्रिजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स. और वहां पर उनके कैंप में एक अफवाह फैल गई थी कि जो 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 कार्ट्रिजेस है, जो कारतूस है, उनपे काऊ और पिग का तेल लगाया जाता है, मांस लगाया जाता है, कुछ ऐसी अफवाह फैल गई थी. द सिपाइज रिफ्यूज टू यूज दीज राइफल्स. इसलिए जो वहां के जो सिपाही थे, उस कैंप में जो सिपाही थे, उन्होंने मना कर दिया था उस राइफल को यूज करने के लिए. उन्होंने मना कर दिया कि हम इन राइफल्स को यूज नहीं करेंगे. When forced, the soldiers in anger shot their officers, broke open the prisons and set free the prisoners. और उनको जब मजबूर किया गया था, तो जो सोल्जर्स थे
उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या करा, जो ऑफिसर्स थे वहां के उनको शॉट कर दिया, उनको गोली मार दी और जो जेल थी, प्रिजन्स थे, जो जेल थी वो जेल को ओपन कर दिया, जो जेलें थी उनको ओपन कर दिया, खोल दिया और उस जेलों में जो कैदी थे, प्रिजनर्स थे, उनको आजाद कर दिया। On 29th March 1857, Mangal Pandey, who was a soldier, attacked a British officer near Calcutta. 29th March 1857 को Mangal Pandey, उन्होंने क्या किया था, जो एक सोल्जर थे, मंगल पांडे जो एक सोल्जर थे, उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश ऑफिसर था उन पर अटैक कर दिया था नियर द कैलकटा, कैलकटा के पास में, कोलकाता के पास में, अब तो कोलकाता बोलते, पहले कैलकटा बोलते थे, तो कैलकटा के पास में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को, ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक कर दिया था, गोली मार दी थी। मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन 8th April 1857 और मंगल पांडे को 8th April 1857 को फांसी दे दी गई थी। दिस ट्रिगर्ड फर्दर एक्शन और फिर यही कार्यवाही शुरू हो रही थी, या इसी तरह ये जो कार्यवाही है आगे शुरू हो गई थी। द रिवोल्ट स्टार्टेड इन मेरठ एंड स्प्रेड टुवर्ड्स दिल्ली और यही रिवोल्ट, यही विद्रोह मेरठ में फैल चुका था और फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंच चुका था। मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सेकेंड वॉज आस्क्ड टू लीड द रिवोल्ट और जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर सेकेंड, उन्होंने रिवोल्ट के लिए बोल दिया था। ही वॉज नॉमिनेटेड एज द कमांडर इन चीफ और उनको नॉमिनेट किया गया था कमांडर इन चीफ। द रिवोल्ट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया और इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी क्या था, ये रिवोल्ट, ये विद्रोह फैल गया था। सम ऑफ द पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट एट डिफरेंट प्लेसेस वर टाटे टोपे एंड नाना साहिब एट कानपुर और बहुत सारे लीडर्स जो पॉपुलर लीडर्स थे फेमस लीडर्स थे वो अलग अलग प्लेसेस से, अलग अलग जगहों से रिवोल्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, जैसे टाटिया टोपे एंड नाना साहिब कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई एट झांसी, बेगम हजरत महल एट अवध। बट एट द सेम टाइम मैनी इंडियन स्टेट अवे फ्रॉम द रिवोल्ट एंड मैनी इवन सपोर्टेड द ब्रिटिश। बहुत सारे इंडियंस थे जो रिवोल्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, लेकिन कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जो ब्रिटिशर्स को, कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट टर्न। हैव अ गुड डे। थैंक यू।